गुड मॉर्निंग गर्ल्स। तो आज थे जहाँ पे रुके हुए थे रात को हम, ये इसके पीछे, और बारिश लगी हुई सुबह से 6 बजे से कंटिन्यू, और अभी बज गए 10 बजे उठ के। और भाई से चाय पूछने जा रहे, चाय मिलेगी कि नहीं। और ये देख सकते हैं नाले कल को सूखे थे, आज चल पड़े। और ये लेक फुल है, फुल ऑन पावर। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज दोबारा से है करेरी ट्रैक, और ये हो गया स्टार्ट अभी। और मेरे साथ है आज 3 जैसे और है, मिलाता हूँ वीडियो पूरे एंड तक देखना, मजा आएगा। और बारिश लग पड़ी थोड़ी थोड़ी, देखो क्या होता है। तो एक बार हम फिर एक डेंजर पॉइंट पे पहुंच गए, यहाँ पे घबराना मत कभी भी। अभी देखो कैसे पास होता है। और दोस्त ठीक हो? तो गाइस ट्रैक कर देख लीजिए, देखो अपने से बड़े बैग लेके चले हुए। रियान भाई क्या बोलते हैं फिर आप, ठीक हो? ये त्रिशूल क्यों लिए हो? माता के है ना, पार्टी चली हुई है। तो गाइस अब रास्ता बड़ा खूबसूरत है, और देखो कुछ इस तरह का व्यू है रास्ते में। ये है देखो नदी, सारे चले गए आगे, अकेला रह गया, फिर अकेला मानूस। मित्र प्यारो, पहुंच के हम हाफ पॉइंट पे। चलेगा क्रेजी, चलेगा। अच्छा फिर शुरू चले। और पैरी जी फिर एक्सपीरियंस कैसा है आपका? अच्छा लगा व्यू? कंटिन्यू बारिश हो रही है, पर हम फिर भी चले हुए गीले होते। देखो मैं गीला हो गया। Thank you.
तो क्या बोलते हो भाई जी, कका भाई जी हमारे फाइनली पहुंच गए हैं। रास्ते में थोड़ी बहुत बारिश थी बट अभी मौसम थोड़ा ठीक हो गया है तो हम पहुंच गए हैं। 5 मिनट का रास्ता और है, बाकी सभी बाकी भाई अपने से चले हुए हैं। मैडम जी फास्ट है, और आपको कभी भी करेरी का ट्रैक करना हो तो भाई से कॉन्टेक्ट कर ले, हमारे ये भाई का आपको टेंट रहना खाना पीना सब कुछ प्रोवाइड करवा देंगे। और ये बैरी जी हमारे टी टाइम करेरी समझा रहे हैं चाय पी रहे। तो आज गाइस हमारी कुकिंग होती हुई, काका भाई द्वारा क्या बना रहे भाई जी? भाई जी हमारा चिकन बन रहा है। चिकन? हाँ भाई जी, हम हैं, ये हमारा चिकन है और हम ये इसे पका रहे हैं। ठीक है गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज का जो प्लान है वो वापस जाने का हमारा, और कल नाइट को स्टे यहाँ पे किया और भैया ने हमको बहुत अच्छे से रुकवाया आना हो तो। ये भैया के वो है दुकान है और वहाँ पे एक, तो यहाँ पे रहने के लिए और खाने के लिए दोनों मिल जाएगा आपको, टेंट भी स्लीपिंग बैग भी फूड सब कुछ मिल जाएगा। कभी भी आना हो तो भाई से कॉन्टेक्ट कर ले वहाँ पे जाके। और बाकी तो देख ही रहे हो ना आपने मौसम कैसा है, बारिश लगी हुई है बहुत तकड़ी वाली और पूरा ही कीचड़ कीचड़ है। फिर भी अब वापिस जाने का सोचा ही जल लगती बारिश में, देखो क्या होता है। कभी भी आओ करेरी तो रहने के लिए बंदोबस्त है इधर और इधर दोनों जगह में। रात को तो नींद मस्त आई, आई पूरी दुकान खोल के देती थी हमको रहने के लिए। काका भाई उनसे कांटेक्ट कर ले तो, ये उनका है गुडूज़ कैफ़े, गुडीज़ कैफ़े इधर और एक सामने देख लीजिए। ये है नजारा करेरी लेक का। टैं टैं। ओ भाई लोग क्या बोलते हो फिर चले। ये हमारे काका भैया जी, कैसी रही कल की रात? मतलब काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, बारिश भी देख ली, स्नो भी देख लिया, पहाड़ भी देख लिए, लेक भी देख ली। बट अभी थोड़ा मॉर्निंग टाइम में थोड़ी बारिश थी बट अंदर काफी अच्छा था तो मतलब सही से नींद आ गई और अभी नीचे जा रहे हैं वापस। यस। तो गाइस कभी भी आपका आने का मूड हो तो काका भैया से कांटेक्ट कर लें, आपको नीचे करेरी में मिल जाएंगे। मैं अपना इनका नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। और ये है कुछ लेक का नजारा, वाह। और जूली जी फिर रात को कैसा था एक्सपीरियंस? गुड, सबसे अच्छा कैंपिंग एक्सपीरियंस हुआ मेरा। थैंक यू। एंड अक्षय जी आपका? ऑल गुड। ओके सर, मैं भी गुड, मैं बहुत अच्छा हूँ। थैंक यू। खाना थोड़ा लेट मिला बट सही था, वेट सबर का फल मिला कल।
तो गाइस मॉर्निंग का भोजन मिल गया आपको, जो कि लंगर लगा हुआ था, प्रसाद। ये रहा आज का प्रसाद और ये व्यू। तो दोस्तों अभी हम फिलहाल निकल रहे हैं और बारिश होगी तेज, तो फिर इस व्यू को भी अलविदा कहने का टाइम आ गया है। ये देखो कितने घंटे में नीचे पहुंचते हैं। टाइम कितना हुआ? 11:55 पे निकल रहे हैं। अभी देखो नीचे कितने घंटे में पहुंचते। ओके बाय।